वेलकम टू माय चैनल अंकुन मुनिया। आज हम बात करेंगे कुत्ता बिल्ली की कहानी के बारे में। दोस्तों, जो मैं कहानियाँ सुनाता हूँ वो जीवन पर आधारित है और हमें जीवन को आगे बढ़ाती हैं। कुत्ते बिल्ली के कहानी में ऐसे होता है कि दो एक कुत्ता और एक बिल्ली होती है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो ऐसे दोस्ती होगी तो बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। एक बार क्या हुआ, कुत्तों के पार्टी में बिल्ली चली गई। तो होता ही है, स्वभाव से कुत्ता और बिल्ली एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्ली कुत्तों की जैसी आवाज़ निकालती थी तो वो बच गई। तो वो कुत्तों जैसी आवाज़ निकालती थी तो कुत्ते इस बिल्ली को अपना दोस्त मानने लगे। लेकिन एक बार इसका उल्टा भी हुआ। हुआ क्या कि बिल्लियों की पार्टी थी तो कुत्ते भी पहुँच गए और वहाँ पर क्या हुआ, एक बार शेर आ गया तो बिल्लियाँ सब भाग गई, लेकिन कुत्ते भाग नहीं पाए। कुत्ते बिल्ली की तरह राग नहीं निकाल पाए तो शेर ने कुत्तों को मार दिया। यानी यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ की हमें भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो हम मार खा जाते हैं। जैसे हम अगर दक्षिण प्रदेश में जाते हैं, केरला साइड, तो हमें वहाँ पर कुछ ना कुछ वहाँ के वर्डिंग आनी चाहिए, नहीं तो हम कहीं ना कहीं घाटा खा बैठते हैं। तो इस पिटारे में, पहले वीडियो में, मैं कुत्ते बिल्ली के कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमें ये नहीं है कि सारी भाषाएं हमें पता हो, लेकिन हमें उस भाषा के बारे में थोड़ा कुछ पता होना चाहिए। जैसे हम अगर हिंदी भाषी है और हम पंजाब राज्य में चले गए तो हमें टूटी फूटी पंजाबी भी आनी चाहिए ताकि हम वहाँ का हमें नॉलेज हो सके। ये बड़ा ज़रूरी है, इसलिए हमें भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। जहाँ पे देश है उसका ज्ञान होना चाहिए और उस देश है उसके वेश के बारे में ज्ञान होना चाहिए, वहाँ की भाषाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा आज के टीवी चैनल भी उठाते हैं। विभिन्न भाषाओं में भारत में 16 प्रकार की भाषाएं हैं, तो वो जो ऐड करते हैं तो उन भाषाओं में वो कन्वर्ट भी करते हैं ताकि उन लोगों तक पहुंच सके। ये एक बिजनेस आइडिया भी है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें विभिन्न भाषाओं का समावेश हो तो हम काम को ज़्यादा दूर तक ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं और हम उचित लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। यही हो सकता है। विभिन्न सारी कंपनियां आजकल जो मोबाइल में जो ऐप आते हैं उसमें भी विभिन्न सारी भाषाओं का समावेश किया गया है कि जो उपभोक्ता है उसको दिक्कत ना हो और हम उससे मोटी कमाई कर सकें। साथ ही साथ में ये आज का जो प्रौद्योगिकी का ज़माना है, सूचना तकनीकी का ज़माना है, इसमें तो अत्यंत आवश्यक हो गया है कि हमें भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम किसी भी कार्य में प्रगति कर सकते हैं और उचित मापदंड भी बना सकते हैं। जैसे कि आज और भी जो भी हैं, जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ऐप्स हैं, वो भी इन भाषाओं का ध्यान रखती हैं और बहुत सारे लोग इस पर करते हैं। जैसे आज पंजाबी भाषा है तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड बोली जाती है क्योंकि इसको इसी तरह बनाया गया है ताकि लोग इसका गुणगान कर सके। और ऐसा कोई बंदा नहीं होगा इस धरती पे जो पंजाबी भाषा नहीं बोलना नहीं जानते। पढ़ने में तो दिक्कत हो सकती है लेकिन बोलने में कोई नहीं दिक्कत होती। तो इसलिए जो विज्ञापन कंपनियां हैं ये पंजाबी भाषाओं का उपयोग करती है और अपने सारे कार्य करवाती है और बहुत सारे पैसे कमाती हैं। तो एक बिजनेस आइडिया भी हो सकता है। और ये कुत्ता बिल्ली के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमें कहीं ना कहीं भाषाएँ आनी चाहिए। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ डॉक्टर मनीष कुमार सोनी, यूट्यूब चैनल अंकुन मनिया। थैंक यू।